Yes, so good afternoon to all of you. चलिए let's start with our discussion on the topic of costing. क्या क्या चीज़ें हमने देखी थी फिर से एक बार फटाफट से देख लेंगे. इट विल बी इजी फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. पहला क्या बोला था मैंने, कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ी अलग चीज़ है एज कम्पेयर टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. इसमें जर्नल नहीं है, लेजर नहीं है, पर्सनल या नॉमिनल का झमेला नहीं है. ये फ्यूचर की बात करता है, पास की बात नहीं करता है. और ये मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है, शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट नहीं करता है. ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए मदद करता है. प्रॉफिट बढ़ाना मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है. तो कॉस्ट अकाउंटेंट बेसिकली कहता है कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मैं मदद करने को तैयार हूँ. प्रॉफिट बढ़ाने के दो रास्ते, एक तो सेल्स को बढ़ाओ नहीं तो कॉस्ट को कम करो. सेल्स को बढ़ाना क्या, तो मार्केटिंग मैनेजर के पास जाना पड़ेगा. कॉस्ट अकाउंटेंट के पास आने की जरूरत नहीं है. कॉस्ट अकाउंटेंट कहेगा कि मेरे पास आना क्या, तो कब आओगे आप लोग, जब आपको कॉस्ट कम करनी है. तो मेरे तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक का नाम है कॉस्ट एस्टिमेशन, दूसरे का नाम है कॉस्ट कंट्रोल और तीसरे का नाम है कॉस्ट रिडक्शन. ये तीन अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं. फिर उसके लिए मुझे कॉस्ट का पढ़ाई करना पड़ेगा. कॉस्ट का पढ़ाई कैसे करूँगा मैं, कॉस्ट का एनालिसिस किस तरह से होगा बताओ फटाफट से. इट कैन बी क्लासिफाइड आइदर इन द ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, फंक्शन, बिहेवियर. नेचर के हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फंक्शन के हिसाब से प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स. ओवरहेड्स का दूसरा नाम ऑन कॉस्ट, तीसरा नाम इनडायरेक्ट ओवर इनडायरेक्ट कॉस्ट. उसके बाद में आया था बिहेवियर के हिसाब से दो ही कैटेगरीज, कौन सा फिक्स्ड एंड वेरिएबल. प्राइम कॉस्ट के सब पार्ट कितने हैं, तीन, कौन से हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. और ओवरहेड्स के कितने पार्ट हैं, तीन, कौन सा फंक्शन में पूरा काम हो रहा है, मतलब उसके हिसाब से क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स. ऐसे तीन आपके अलग अलग ओवरहेड्स हो जाएंगे. उसके बाद में अगला पॉइंट कौन सा रहेगा आपका, फिर हमने सीखा था कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसे आया था, हमने बोला था कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एक बेसिकली टेबल है, स्टेटमेंट है, एडलेस एडलेस करते जाने का रहता है. एडलेस करने का मतलब क्या कंसिडर करना पड़ेगा, पर्टिकुलर रुपीज, टोटल रुपीज एंड परनेट रुपीज. जब तक अमाउंट टोटल रुपीज कॉलम में नहीं आती है तब तक परनेट कैलकुलेट नहीं करने का. रुपीज कॉलम में रहेगा तो ठीक है, उसका परनेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. फिर जनरली परनेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल अपॉन प्रोडक्शन यूनिट्स, नहीं तो टोटल अपॉन सेल्स यूनिट्स. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पहले, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले जनरली टोटल अपॉन प्रोडक्शन यूनिट्स है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में जनरली टोटल अपॉन सेल्स यूनिट्स है. लेकिन कुछ कुछ जगह पर गड़बड़ हो जाती है. एग्जाम्पल WIP, ओपनिंग WIP, बाद में का सब टोटल और बाद में क्लोजिंग WIP, तीनों का पर यूनिट कैलकुलेट करते नहीं है. फिनिश गुड्स के बारे में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को टोटल डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक को टोटल डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स, उसके बाद के सब टोटल को टोटल डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक के लिए CPU घसरगुंडी अगर याद रहेगा तो. ओके, बाकी तो झमेला है नहीं. फिर फॉर्मेट कैसा था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल एड एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस इज इक्वल टू सब टोटल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एरो मार्क, स्पेशल वाला एरो मार्क था. उसके बाद में अगला पॉइंट कौन सा था तुम्हारा, एड डायरेक्ट वेजेस, उसमें एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड सब कर दो. और उसके बाद में क्या आएगा, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, एड टू दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, शाबाश, एड टू दैट ओपनिंग WIP लेस फ्रॉम दैट क्लोजिंग WIP इज इक्वल टू फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट. इंग्लैंड में फैक्ट्री को वर्क्स कहते हैं, इसके लिए कभी कभी फैक्ट्री शब्द आ सकता है, कभी कभी वर्क शब्द आ सकता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है. अगला पॉइंट कौन सा रहेगा, क्वालिटी कंट्रोल आर एंड डी प्राइमरी पैकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड इनटू प्रोडक्शन. ये चार चीजें ऐड करने की, एक चीज माइनस करनी रहती है, कौन सी, सेल ऑफ स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट माइनस करने का. जो बचेगा उसको आउटर कॉलम लेके जाएंगे और बाद में बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एड टू दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG इज इक्वल टू सब टोटल लेस फ्रॉम दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एड टू दैट ऑफिस ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, एड टू दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. ये अपना फॉर्मेट था, रिविजन हो गया. चलो लेट्स स्टार्ट, आज का प्रॉब्लम देखेंगे. कल अपना दो प्रॉब्लम हो गया था ना, क्या तीन प्रॉब्लम हो गया था, दो, तीसरा मेरे ख्याल से मैंने आधा अधूरा डिस्कस किया था, आज करेंगे. चलो, अ फायर अकर इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस ऑन 31st अक्टूबर ऑफ अ ईयर, द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड. 31st अक्टूबर को आग लग चुकी थी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुके थे. सर्टन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स केप्ट इन अनदर बिल्डिंग रिवील द फॉलोइंग फॉर द पीरियड एंडिंग फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st सितंबर टू 31st अक्टूबर. दो महीने का कॉस्ट शीट है. डायरेक्ट मटेरियल परचेस, बाबा लोग बेबी लोग, ये क्या रहेगा आपका बोलो, डायरेक्ट मटेरियल परचेस क्या रहने का चांसेस है बोलिए. मेरे ख्याल से डायरेक्ट मटेरियल परचेस इसका मतलब ये रॉ मटेरियल है. एक मिनट जरा डार्क कलर लेता हूं. ये आपका रॉ मटेरियल है. बाद में WIP इन्वेंट्री ऑन 1st सितंबर, मतलब ये ओपनिंग WIP है.
बाद में डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंटरी ऑन 1 सितंबर, बोलो क्या? ये ओपनिंग रॉ मटेरियल है, उसके बाद में फिनिश गुड्स इन्वेंटरी ऑन 1 सितंबर, ये ओपनिंग फिनिश गुड्स है। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, बट इसकी स्पेशलिटी क्या है? शब्द कौन सा यूज किया है? कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन का मतलब क्या? रॉ मटेरियल अपने आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर अपने को लेबर का काम करना पड़ेगा। सिर्फ लेबर का काम होगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ? अपने आप कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? मशीन भी लगेगी। सोच के देखो कि आप क्लास में बैठे हो और आज लाइट गया और अपना इन्वर्टर भी बंद पड़ गया, जस्ट एग्जाम्पल, ऐसा होता नहीं है, बट लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन कि लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं है और इन्वर्टर भी खत्म हो गया है, अंधेरा हो गया क्लास में, बहुत सारा बारिश चालू है बाहर, जस्ट एग्जाम्पल, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मैं सिखाने की इच्छा रहेगी, लेबर रेडी है तो भी काम नहीं हो सकेगा, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? वैसे ही कंपनी में रहता है, वर्कर्स रेडी है, मशीन बंद पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो सकता। वर्कर्स रेडी है, पावर सप्लाई नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। वर्कर्स रेडी है लेकिन रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, सुपरवाइजर आया हुआ नहीं है, काम चालू करने को नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो सकता है, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इसका मतलब कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब सिर्फ वेजेस नहीं है, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब वेजेस भी है और फैक्ट्री के ओवरहेड्स भी है। ऑफिस ओवरहेड्स के बिना प्रोडक्शन हो सकता है, सेलिंग ओवरहेड्स के बिना प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो कन्वर्जन कॉस्ट इसका मतलब क्या है कि उसमें वेजेस भी चाहिए और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी चाहिए। अभी जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट उनको समझेगा कि सर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स वो कितने हैं? 40%, 40% ऑफ व्हाट? कन्वर्जन कॉस्ट। एंड कन्वर्जन कॉस्ट में कौन है? खुद डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसका मतलब डायरेक्ट वेजेस है और फैक्ट्री ओवरहेड्स है, उसका कुछ तो टोटल है और उस टोटल का 40% मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स है। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? फैक्ट्री ओवरहेड्स है क्या? हाँ है। कितने हैं? 40%। किसका 40%? डायरेक्ट वेजेस में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद जो रकम आएगी उस रकम का 40%। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? 40%। किसका? वेजेस में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद जो आएगा उसका। तो ये लूप क्रिएट हो रहा है, सोचना पड़ेगा, वी हैव टू यूज सम परसेंटेज। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? जो दिमाग चलाएगा उसको समझेगा, सर इसका मतलब आपने हमको 2-3 बार सिखाया हुआ है क्लास में कि 40%, परसेंट मतलब पर सेंचुरी, सेंचुरी किसका होने वाला है? टोटल का होने वाला है, मतलब कन्वर्जन कॉस्ट का सेंचुरी होने वाला है। तो कन्वर्जन कॉस्ट का अगर सेंचुरी हो जाएगा तो फैक्ट्री ओवरहेड 40 है। क्या रहा समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो कैन यू टेल मी व्हाट मस्ट बी द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस? 60। कैसे आया 60 आपको? उल्टा गए हम लोग। क्या रहा समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? घर के बच्चे समझा करे? यस सर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 60 क्या हो गया आपका? डायरेक्ट वेजेस हो गया। अब कोई अगर मुझे डायरेक्ट वेजेस के अमाउंट बता देगा, अगर कोई मुझे डायरेक्ट वेजेस के अमाउंट बता देगा, मैं बोलूंगा फिर काम खत्म। फिर 60 मतलब इतना तो 40 मतलब कितना? ऐसा कैलकुलेट करना पॉसिबल है? सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? सो आई कैन स्पेसिफाई कि डायरेक्ट लेबर दिया है, देखो यहाँ पे 2,22,250 दिया हुआ है, तो 222,250 इज नथिंग बट आवर 60। फिर 40 मतलब कितना और 60 मतलब कितना कैलकुलेट करना आसान बात है। नेक्स्ट, सेल्स रेवेन्यू मतलब लास्ट आइटम, प्राइम कॉस्ट। अभी वेजेस मालूम है और प्राइम कॉस्ट मालूम है। अब रिपीटिंग अगेन, वेजेस मालूम है और प्राइम कॉस्ट मालूम है, तो बाकी का क्या रहेगा बोलो? प्राइम कॉस्ट 3 चीज़ों की बनती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इफ नथिंग इज मेंशन, वी कैन सेफली अज्यूम द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट देयर। आई रिपीट, इफ नथिंग इज मेंशन, वी कैन सेफली अज्यूम द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट देयर। मतलब अगर आपने प्राइम कॉस्ट दे दी और अगर आपने डायरेक्ट वेजेस दे दिया तो बाकी का अमाउंट कौन रहेगा? डायरेक्ट मटेरियल का रहेगा, बैलेंसिंग फिगर। और डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट मिल गई और उसके अंदर अपने को ओपनिंग स्टॉक मालूम है और परचेसेस मालूम है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अगर नहीं समझा तो फॉर्मेट लिखूंगा तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कल इसके बारे में बात किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ब्यूटीफुल पॉइंट, सेकेंड ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम। दे आर नॉट टेलिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दे आर यूजिंग द वर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। दोनों में फर्क है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो बेच के हो गया उसकी कीमत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पास्ट टेंस, SOLD, पास्ट टेंस। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये पास्ट टेंस की बात नहीं, चलो अवेलेबल फॉर सेल, बेचने के लिए जो उपलब्ध है वो, मतलब बेचने के पहले की बात है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ?
तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि मम्मी क्या बोल रही है, आज मैंने कितना चपाती बना के रखा है तुम सब लोगों के लिए, घर के लोगों के लिए 20 चपाती, जस्ट एग्जांपल, आपके घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं वगैरह वगैरह, तो 20 चपाती बना के रखा हुआ है, ये क्या है, चपाती अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट इसका मतलब ये नहीं कि उतना चपाती खाएंगे, लेकिन आज क्लास में क्या हो गया, वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन, जस्ट एग्जांपल। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लास में वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन हो गया, हमने बोला चलो आपको पेस्ट्री वेस्ट्री खिलाते हैं, तो आपका पेट भर गया, आप तो डाइट वाले लोग ज़्यादा खाते नहीं हो, क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? आपने मम्मी को बोला मम्मी मैं मेरा चपाती खाने वाला नहीं हूँ, तो आपने 2 चपाती खाए ही नहीं, तो अवेलेबल फॉर कंजम्पशन 20, बट बच गया कितना, 2, मतलब कंज्यूम कितना हुआ रहेगा, 18। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो कंज्यूम्ड पास्ट टेंस, उसमें 18 आंसर आएगा, बट अवेलेबल फॉर कंजम्पशन उसका आंसर रहेगा 20, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के पहले जो रहेगा वो, उसको बोलने का अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? देन कम्स नेक्स्ट पार्ट, फिर ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज बेस्ड ऑन रेवेन्यू। कल इसका भी एक छोटा सा गड़बड़ हो गया था, अगर याद रहेगा तो 33% नहीं था वो, 30% था। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? उसके हिसाब से खेलने का था। द लॉस इज फुल्ली कवर्ड बाय इंश्योरेंस, द इंश्योरेंस कंपनी वॉन्ट्स टू नो द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्रीज एज अ बेसिस फॉर निगोशिएटिंग सेटलमेंट, ऑल्दो द सेटलमेंट इज एक्चुअली टू बी बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट नॉट हिस्टोरिकल कॉस्ट। यू आर रिक्वायर टू कंप्यूट द फॉलोइंग आइटम्स एज ऑन 31st of October, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, WIP इन्वेंट्री एंड डायरेक्ट मटेरियल्स इन्वेंट्री। चलो अब क्या चालू करेंगे फटाफट से, कॉस्ट शीट। पहले मुझे बताओ कॉस्ट शीट का फैक्ट्री का नाम दिया कि नहीं दिया है? नहीं दिया है। प्रोडक्शन का यूनिट्स एंड सेल्स का यूनिट्स दिया कि नहीं दिया है? नहीं दिया है। तो अपने को सिंपल वर्किंग है, ज़्यादा कुछ झंझट है नहीं। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? तो फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, कॉस्ट शीट ऑफ अ फैक्ट्री, कॉस्ट शीट ऑफ अ फैक्ट्री फॉर द 2 months और फॉर द मंथ पीरियड एंडेड 31st October। चल आई गो अहेड नाउ। चलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपने को पता है क्या? हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की रकम कितनी है, डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री ऑन 1st September 20,000 और परचेसेस की अमाउंट कितनी है, 2,50,000। मिला क्या सबको? सो ओपनिंग स्टॉक 20,000 एंड डायरेक्ट मटेरियल परचेस 2,50,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन कितना, 20,000, परचेसेस कितना, 2,50,000, सब टोटलिंग कितनी हो जाएगी आपकी, 2,70,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है कुछ पता नहीं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है वो भी कुछ पता नहीं, डायरेक्ट वेजेस मेरे ख्याल से दिए थे अपने को, डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना है, 2,22,250। मिला क्या यहां पे दिया, देखो डायरेक्ट वेजेस, ओके 2,22,250, सो आई विल राइट इट हियर, डायरेक्ट वेजेस 2,22,000, कितना बोला हमने, 250 के 500, 250, यप 2,22,250। प्राइम कॉस्ट कितनी है, दैट इज नॉट गिवन बाय देम और दैट इज गिवन बाय देम, चेक करो प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट दे दी है, 3,97,750। मिल गए क्या सबको, 3,97,750 प्राइम कॉस्ट है, 3,97,750। प्लीज टेल मी, अगर आपको डायरेक्ट लेबर पता है और अगर आपको प्राइम कॉस्ट पता है
तो इसका मतलब मैं ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ कि बाकी का बैलेंसिंग फेयर किसका रहेगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम का रहेगा। बोलो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना रहने वाला आपका, लिखा है ऐड मतलब करना पड़ेगा लेस, 397,750 में से 222,250 हटा दिए, 175,500। इस 175,500 के पीछे कौन बैठा है, सब टोटल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बैठे हुए हैं। हमने तो 20,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से स्टार्ट किया था और हमने 2,50,000 रुपए का नया नया गर्मा गर्म ताजा ताजा रॉ मटेरियल परचेस किया था। इसका मतलब हमारे पास 2,70,000 का रॉ मटेरियल एक्चुअली अवेलेबल था, उसमें से हमने सिर्फ 1,75,500 का ही कंजम्पशन किया हुआ है। 2,70,000 अवेलेबल था लेकिन सिर्फ 1,75,500 ही कंज्यूम किया हुआ है। इसका मतलब मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, बाकी का शायद कंज्यूम करने का बाकी है, कंज्यूम करने का बाकी मतलब इट मस्ट बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 94,500 को कैंसिल कर दीजिए, इट्स अ बैलेंसिंग फिगर। अब मुझे किसके पास जाना है, अब मुझे फैक्ट्री ओवरहेड्स के पास जाना है, बट फैक्ट्री ओवरहेड्स को जो झमेला कर रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ने क्या बोल दिया कि इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 40% ऑफ व्हाट ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट। तो उसके लिए मुझे वर्किंग नोट करके दिखाना पड़ेगा। मैं बोलूँगा कि कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू कन्वर्जन कॉस्ट। आई रिपीट, कन्वर्जन कॉस्ट मतलब क्या है, रॉ मटेरियल इज नॉट ए कन्वर्जन कॉस्ट, रॉ मटेरियल इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो लगता है वो नहीं, उसको कन्वर्ट करने के लिए, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो कन्वर्जन कॉस्ट में रॉ मटेरियल नहीं आएगा, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा लगता है वो देखना पड़ेगा, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो मुझे कंसिडर करना पड़ेगा सिर्फ दो लोग ही कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर बैठे हैं, एक कौन डायरेक्ट लेबर, दूसरा कौन फैक्ट्री ओवरहेड्स, और दोनों का टोटलिंग हो जाएगा कन्वर्जन कॉस्ट। उसका रेशियो क्या कहता है, दिस इज 100, दिस इज 40, मतलब दिस मस्ट बी 60, क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ। एंड 60 मतलब कितना आपका, 2,22,250, तो ये भी कितना है और ये भी कितना है, समझा। क्या करो, मेरे ख्याल से आपका यहाँ तक लिख के हो गया ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स आपका लिखने का चालू है, तो उसके आगे कम से कम एक 10-12 लाइन छोड़ दो और बाद में वर्क नोट चालू करो। Shall I go ahead? तो यहां पर नीचे वर्किंग कर रहा हूं मैं, therefore factory overheads is equal to 2,22,250 into 40 upon 60। बोलो कितना आंसर आया, टू लैक 22,250 इंटू 40 अपॉन 60, 1,48,167। घर के लोग यही आंसर आया क्या आपका सबका? यस सर। ओके चलो फिर वापिस आ जाओ यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स का, वहां पे कितना बोला हमने आंसर, 1,48,167,
48,167। चलो अब इसके टोटलिंग करेंगे। कंप्लीट 397,750 प्लस 148,167 बोलो कितना? 545,917। टोटलिंग आपको करना है बाबा लोग, बेबी लोग, मेरा सीए हो गया है, मैं टोटलिंग करते नहीं बैठूंगा। मैंने आंसर दे दिया तो आप लोग फिर सिर्फ क्लर्क बन जाओगे। अपने को क्लर्क नहीं बनने का, सीए बनने का है। खुद ब खुद कैलकुलेट करने को उसी को फटाफट से। सर मेरा ना थोड़ा दिल बैठ रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ कंट्रोल है कि मेरे हाथ में? यस, कंट्रोल क्या कर सकते हैं आप लोग, फटाफट से कैलकुलेटर ले लो, एक बार मनी मन में फटाफट से चेक कर लो। 222,250 कैलकुलेटर पे प्लस 148,167 कैलकुलेटर पे, बोलो टोटलिंग कितना आता है? 222,250 प्लस 148,167 टोटलिंग कितनी है बोलो? 374 के 70 417 का 40% कितना था देखो? 148, सो और कैलकुलेशन इज करेक्ट, उसका बराबर 40% ही है वो। समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, सो एक बार मन में अपना दिल का तसली कर लेना आगे जाने के पहले, झंझट नहीं चाहिए। चलो फिर यहाँ तक आ गए हम लोग। अब चाहिए मुझे ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, इज इट गिवन? यस। व्हाट इज अमाउंट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी? चलो फटाफट से चेक करता हूँ प्रॉब्लम में। ओपनिंग डब्ल्यू आई पी इधर दिया, देखो इधर देखो 40,000 मिला क्या सबको? सो आई टेक 40,000 डेयर। चलो चलो 40,000 को लेके आ जाओ फटाफट फटाफट 40,000। 545,917 प्लस 40,000 टोटलिंग बोलो 585,917। क्लोजिंग डब्ल्यू पी कितना है पता नहीं। फैक्ट्री कॉस्ट अपने को पता है क्या? फैक्ट्री कॉस्ट नहीं, प्राइम कॉस्ट दी थी, फैक्ट्री कॉस्ट भी नहीं पता है तो छोड़ दो। क्लोजिंग डब्ल्यू पी मालूम नहीं, वही कैलकुलेट करना है, उसको भी छोड़ दो, फिर बाद में कौन आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट पेंडिंग रखी मैंने, क्वालिटी कंट्रोल, R&D, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइमरी पैकिंग, ये जो चार चिंटू पिंटू लोग हैं, ओके, उनका नाम मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ दिया है कि अपने को R&D, क्वालिटी कंट्रोल, सेल्स रेवेन्यू, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, गुड्स अवेलेबल, दुनिया भर का चीज़, लेकिन नहीं है, नहीं है, तो मैं अज्यूम करूँगा कि दे आर निल। क्या रहा समस्या, मैं कैसे बोल रहा हूँ? अज्यूम टू बी निल, क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है पता नहीं, क्यों क्यों नहीं पता सर आपको? क्योंकि क्लोजिंग डब्ल्यू भी पता नहीं, क्लोजिंग डब्ल्यू भी पता नहीं, इसके लिए फैक्ट्री कॉस्ट पता नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट पता नहीं, इसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता नहीं। Shall I go ahead? अगला पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, ये तो दिया हुआ है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG का अमाउंट कितना था आपका? 37,750 था, तो 37,750 बाबा लोग, बेबी लोग, 37,750 ले आए यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल वो अपने को पता है मेरे ख्याल से, इट इज ऑल्सो गिवन, एंड अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज 555,775, सो आई टेक इट हियर 555,775 में से 37,750 हटा दिया, 518। ये कौन है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है? मैं उल्टा ऊपर जा रहा हूं बाबा लोग, बेबी लोग, 518,027। कुछ प्रॉब्लम मेरे घर के लोग, डाउट है कुछ? हाँ, यस, 518,025। और क्वालिटी कंट्रोल, R&D, एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइमरी पैकिंग सब लोग नीली है, मतलब फिर से एक बार 518,025 ही होने वाला है।
ऊपर कौन था 585 था, नीचे कौन है 518 है। प्लीज टेल मी, अब मैं उल्टा जा रहा हूं कि अब मैं सीधा आ रहा हूं नीचे? मैं अभी उल्टा जाने की जरूरत नहीं, सीधा नीचे आ सकता हूं ना। 585 माइनस समथिंग समथिंग इज इक्वल टू 518, क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूं? अब मुझे उल्टा जाने की जरूरत नहीं, मुझे ये मालूम है और मुझे ये मालूम है, मुझे बीच का अमाउंट कैलकुलेट करना है, मैं सीधा नीचे आ सकता हूं, क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूं? प्लीज टेल मी व्हाट मस्ट बी द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी? 678 ओके, वही बोले इतना बड़ा नहीं रहेगा क्योंकि 67892। घर के लोगों को आ गया भाई, शैल आई गो अहेड? यस सर। ओके ग्रेट, अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी कितना है कुछ पता नहीं, छोड़ दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है कुछ पता नहीं, छोड़ दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स, प्रॉब्लम साइलेंट था उसके बारे में, कुछ बात ही नहीं कर रहा था। दो महीने में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितने हुए, सेलिंग ओवरहेड्स कितने हुए, और एनीवे उन्होंने अपने को नीचे क्या दिया है, एनपी नहीं दिया है, ग्रॉस मार्जिन दिया बाबा लोग, बेबी लोग, समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? दे हैव नॉट यूज द वर्ड नेट प्रॉफिट, दे हैव यूज द वर्ड ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन मतलब पीएनएल अकाउंट के आइटम्स लेने के बाकी है, मतलब ऑफिस ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स लेने के बाकी है। सो आई कैन सेफली से दैट ये दोनों को अज्यूम कर देने का नील नील, क्या रहे, समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर, क्लियर ना मक्की? प्रॉफिट कितना है 30%, 30% ऑन व्हाट, सेल्स, ओके, क्योंकि उन्होंने बेस्ड ऑन रेवेन्यू बोला है, बेस्ड ऑन कॉस्ट नहीं बोला उन्होंने, रेवेन्यू मतलब सेल्स, क्लियर। तो 30% ऑन सेल्स, सेल्स मालूम है क्या अपने को? यस, वो कितना है 7,50,000, उन्होंने उसका नाम भी मस्त से सेल्स रेवेन्यू बोल के रखा है, सो आई कैन टेक 7,50,000 एज इट इज। सो सेल्स का अमाउंट ले लेता हूँ यहाँ पे, 7,50,000 पहले नीचे ले लूँगा, 7,50,000, उसका 30% कैलकुलेट करूंगा, 2,20,000। अब मैं उल्टा जा रहा हूं तो लिखा रहेगा प्लस, मतलब करना पड़ेगा माइनस, 7,50,000 में से 2,25,000 हटा दिया, 5,25,000 इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके अंदर छुपे हुए एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ओवरहेड्स तो नील नील है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिर से बार 5,25,000, और ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 5,55,000 था, 5,55,775 अवेलेबल फॉर सेल था, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअली 5,25,000 ही नहीं मिल गई। इसका मतलब बाकी का सारा क्या हुआ रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ रहेगा। मम्मी ने 20 चपाती बनाया था, 18 चपाती खा लिया है, सर आपको कैसे समझा, क्योंकि 2 चपाती बाकी है, क्लियर। सो आई कैन स्पेसिफाई कितना बचा रहेगा बोलो, 30,775 क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा। सबको समझा क्या, कैसा लगा प्रॉब्लम, डिफिकल्टी की इजी है? फॉर्मेट पता रहेगा तो इजी है, फॉर्मेट पता नहीं रहेगा तो गड़बड़ है। एक ही गड़बड़ है, कौन सा वाला, कन्वर्जन कॉस्ट, वो स्ट्राइक नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। घर के लोग शैल आई गो अहेड? ओके वेरी गुड, बोला। चलिए जी फटाफट से अगले प्रॉब्लम की तरफ कदम बढ़ाएंगे हम लोग। सुकेश जी शैल आई गो अहेड? क्वेश्चन नंबर 4, हाँ मे 92 का प्रश्न है, जुना प्रश्न है। मैं काय करतो जनरली 2017 पर्यंत प्रश्न सगळे क्लास में सॉल्व करून घेतो, आणि 2017 च्या पुढचे प्रश्न जे आहेत ते सगळे आपण रिव्हिजन मध्ये सॉल्व करणार आहोत, एक्स्ट्रा त्याच्या टेस्ट पण घेतो, समजलं का? सो इट विल बी इजी फॉर यू टू कॉन्सन्ट्रेट। चलिए, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह लिमिटेड गिव्ह यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फायनान्शियल रेकॉर्ड्स, रुपीज आर गिवन इन थाउजंड्स, रुपीज आर गिवन इन थाउजेंड बाबा लोग बेबी लोग। सेल्स फॉर द ईयर 7,500,000, मतलब 75,00,000, क्लियर ना? बाद में डायरेक्ट लेबर 1,750,000, मतलब 1,750,000। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 2,50,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 3,50,000। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ आई एम रीडिंग, इसके आगे 3 0 है ऐसा समझ के मैं पढ़ रहा हूँ। शैल आई गो अहेड नेक्स्ट पार्ट? फ्रॉम इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, रुपीज आर गिवन इन 1,000 ऑन 31st December and on 1st January, जरा संभल के
जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या करके रखा है, 31 दिसंबर मतलब क्लोजिंग पहले कॉलम में दिया है और 1 जनवरी मतलब ओपनिंग सेकेंड कॉलम में दिया है। अपने को याद रखने का ये वाला ओपनिंग है और ये वाला क्लोजिंग है। एग्जाम में टेंशन नहीं, जिसके लिए क्या करने का, पढ़ते पढ़ते फट से क्या करने का, पेंसिल से लिख कर रखने का, ये वाला ओपनिंग है ये वाला क्लोजिंग है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, फ्रॉम एनालिसिस ऑफ द पास्ट डेटा डायरेक्ट लेबर वुड बी 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स। डायरेक्ट लेबर वुड बी 175%। डायरेक्ट लेबर क्या कर रहा है, 175 रन कर रहा है। कब? जब वर्क्स ओवरहेड्स का, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो मुझे मदद करो। वर्क्स ओवरहेड्स और वर्क्स कॉस्ट दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है? अलग अलग है। कौन बड़ा है, वर्क्स कॉस्ट बड़ा है कि वर्क्स ओवरहेड्स बड़ा है? वर्क्स कॉस्ट बड़ा है। वर्क्स ओवरहेड्स छोटी चीज है, वर्क्स ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स रहेंगे उनका अगर सेंचुरी हुआ रहेगा तो डायरेक्ट वेजेस अपना 175 रन पूरा करता है। तो मुझे पहले किसको ढूंढना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स को ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके साइड में क्या लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। फिर बोलूंगा अरे यार 100 मतलब इतना, तो 175 मतलब कितना? तो डायरेक्ट वेजेस का मैं जगह बना के रखूंगा लेकिन ब्लैंक छोड़ दूंगा कॉस्ट शीट में। आगे जाऊंगा बोलूंगा प्राइम कॉस्ट, ब्लैंक छोड़ दूंगा। आगे जाऊंगा बोलूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसके अमाउंट लिख दूंगा और अमाउंट के साइड में पर्टिकुलर्स के कॉलम में ब्रैकेट में छोटा छोटा हैंड राइटिंग लिख दूंगा 175। और डायरेक्ट वेजेस के साइड में पर्टिकुलर्स के कॉलम में ब्रैकेट में छोटा छोटा हैंड राइटिंग लिख रखूंगा 100। फिर बोलूंगा 175 मतलब इतना, तो 100 मतलब कितना? समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, फिर बोल रहे हैं अपने को रॉ डायरेक्ट लेबर वुड बी 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स वुड बी ₹11,200 पर नेट। एक्सक्लूडिंग रे बाबा लोग, बेबी लोग, एक्सक्लूडिंग। बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस वुड बी ₹700 पर नेट। अच्छा अच्छा, अब तक कैसा मस्त से अपने को बोल रहे थे एवरीथिंग वॉज गिवन इन टोटल, ये बोल के रखा है पर नेट में दिया हुआ है। इसका मतलब इनडायरेक्टली प्रॉब्लम आपको बता रहा है कि इस प्रॉब्लम में आपको पर नेट कॉलम बनाना पड़ेगा। और सेलिंग ओवरहेड जहाँ पे रहेंगे उसका बहुत सारा डिटेल्स नहीं दिया रहेगा, सेल्समैन ट्रैवलिंग कितना, सेल्समैन कमीशन कितना, सेल्समैन सैलरी कितना, एडवर्टाइजिंग का खर्चा कितना, ऐसा अलग अलग बायफरकेशन नहीं दिया रहेगा। बट उनका सभी बायफरकेशन का टोटलिंग करने के बाद जो आंसर आया है उस आंसर को सेल्स यूनिट से डिवाइड कर दूंगा तो पर नेट का आंसर कितना आएगा, 700। तो 700 इज द कंबाइंड अमाउंट ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स कन्वर्टेड इनटू पर नेट। करते मैं कमेंट होते। नेक्स्ट पार्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, डिटरमाइन द रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन द सेल्स, डिस्कस वेदर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ ₹2 lakh ऑन वर्किंग कैपिटल वुड अफेक्ट द रेट ऑफ प्रॉफिट। ओके, पहले मुझे क्या सोचना पड़ेगा, पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि उसका सेल्स का क्वांटिटी कितना है और उसका प्रोडक्शन का क्वांटिटी कितना है। मिला क्या आपको सबको? अरे कुछ तो बोलो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स वुड बी ₹11,200 पर नेट। ये भी एक पर नेट देके रखा है। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की टोटल अमाउंट ढूंढ सकूंगा, आई रिपीट, अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की टोटल अमाउंट ढूंढ कर निकाल सकूंगा तो टोटल अमाउंट पता है और पर नेट पता है। जब मुझे कोई कहता है कि टोटल अमाउंट इज 1 lakh एंड नंबर ऑफ यूनिट्स आर 10,000, तो मैं बोलता हूं इट इज ₹10 पर यूनिट। क्या समझ सकते, मैं कैसे बोल रहा हूं? टोटल अमाउंट दिया है और नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है तो पर यूनिट कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसी का दूसरा मतलब, अगर कोई मुझे कहेगा कि ₹1 lakh इज द टोटल एंड ₹10 पर यूनिट इज द पर नेट, मैं बोलूंगा मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स मस्ट बी 10,000 यूनिट्स। क्या समझ सकते, मैं कैसे बोल रहा हूं? तो मेरा कोशिश क्या रहेगा, अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं तो सेल्स, सेलिंग ओवरहेड्स, उसकी टोटल अमाउंट ढूंढो। एक बार वो टोटल अमाउंट मिल जाएगी तो बाद में हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर पाएंगे। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, और क्या पूछा है, कंप्यूटर वैल्यू ऑफ मटेरियल्स परचेस, ठीक है, डिटरमाइन द रेट ऑफ जीपी, ओके ओके, चलो चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब मुझे देखना पड़ेगा क्या रहे, सेल्स फॉर द ईयर दिया है 75 lakh, डायरेक्ट लेबर दिया है, मैनेजमेंट एक्सपेंस दिया है, सेलिंग एक्सपेंस दिया है। देखो सेलिंग एक्सपेंस देकर रखा है, सेलिंग एक्सपेंस का अमाउंट दिया है यहाँ पे 3,50,000 और इधर 700 पर नेट दिया हुआ है, मतलब सेल्स के यूनिट्स कैलकुलेट करना पॉसिबल है। क्या समझ सकते, मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, नेक्स्ट पार्ट, फिर बाकी का सब चीज़ तो ठीक है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया, परचेस दिया नहीं, वो अपने को कैलकुलेट करने का। चलो फिर फटाफट से लिखेंगे कॉस्ट शीट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश, कॉस्ट शीट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश। ऐसी बड़ी कॉस्ट शीट याद रखो, कम से कम 20 से 22 लाइन लगेगा कॉस्ट शीट के लिए, चाहे तो एक बार देख लो फॉर्मेट, कम से कम 20 से 22 लाइन लगेगा, बाद में वर्किंग नोट चालू हो जाएंगी।
आपका हैंडराइटिंग जंबो साइज रहेगा तो 25 लाइन छोड़ दो, झंझट नहीं चाहिए। कोई चिंटू पिंटू वाला रहता है, कोई जंबो साइज वाला रहता है, अपना हैंडराइटिंग खुद ढूंढ लेना। चलो, शल आई गो अहेड, फॉर्मेट ड्रॉ करके हो गया। घर के बच्चे, शल आई गो अहेड बच्चा लोग? यस सर। ओके, हेडिंग लिखोगे कॉस्ट शीट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश। हेडिंग आएगा कॉस्ट शीट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश। सबसे पहले उन्होंने अपने को देखा रखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिसकी रकम है 10,60,000, नहीं 8,00,000, 8,00,000। जरा संभाल के, ओपनिंग इधर है राइट साइड में, ओपनिंग मतलब आउटर कॉलम एंड क्लोजिंग मतलब इनर कॉलम। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,00,000 है, लिख दूंगा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,00,000। टोटल रुपीज कॉलम में लिख दिया 8,00,000। परचेसेस कितना वो कैलकुलेट करने का है, तो सब टोटलिंग मेरे पास रेडी नहीं है, छोड़ दूंगा, बाद में कौन आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की अमाउंट कितनी है वो भी देख लो अपना। 10,60,000 है, 10,60,000, तो लिख दूंगा यहाँ पे 10,60,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के सामने। 10,60,000 10,60,000 कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितनी है कुछ पता नहीं, तो जगह छोड़ दी। ऐड टू दैट डायरेक्ट लेबर, और उसके साइड में पर्टिकुलर कॉलम में ब्रैकेट में छोटा छोटा हैंड राइटिंग लिख दिया 175, लेकिन डायरेक्ट लेबर की अमाउंट पता नहीं है, न कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम पता है, न डायरेक्ट लेबर पता है। इसका मतलब प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं, छोड़ दो। एड टू दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स, नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स के साइड में ब्रैकेट में छोटा छोटा हैंड राइटिंग पेंसिल से या फिर पेंसिल लिखोगे 100, उसकी अमाउंट कितने देखो जरा। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेल्स डायरेक्ट लेबर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंस, मैं बोलूंगा अरे डायरेक्ट लेबर दे दिया आपने को, उन्होंने 17,50,000 दे दिया, तो मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा डायरेक्ट लेबर के सामने 17,50,000। अब मेरे ख्याल से मेरा काम आसान हो गया, 175 मतलब 17,50,000, तो 100 मतलब कितना, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। अगर वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अमाउंट देते थे मैं डायरेक्ट लेबर को कैलकुलेट करता था, डायरेक्ट लेबर के अमाउंट दे दी है मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स को कैलकुलेट कर दूंगा, बोलूंगा 175 मतलब 17,50,000, तो 100 मतलब कितना, दैट कम्स टू हाउ मच, 10,00,000। लेकिन अभी भी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं, छोड़ दो। Add to that opening WIP. Do we have the information of opening WIP? Yes. 10,50,000 का opening है और 14,50,000 का closing है। सपड़ते कैसे करना? 10,50,000 opening यानी 14,50,000 closing. चला बिगी बिगी. 10,50,000 opening.
आणि 14,50,000 चं क्लोजिंग बीच में सब टोटलिंग कैलकुलेट नहीं कर सका और फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट भी कैलकुलेट करने को नहीं मिला, फिर क्वालिटी कंट्रोल आरएनडी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड प्राइमरी पैकिंग वो कुछ है क्या रे? मेरे ख्याल से वो भी कुछ नहीं है तो उसको मैं जीरो कंसिडर कर दूंगा, अज्यूम टू बी निल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने पता नहीं, एड टू दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करने का है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना आपका 17,60,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना 19,00,000, 17,60,000 एंड 19,00,000 मिल गया क्या सबको? क्या हुआ? ओ एसी चालू है ना अपना, जरा दो मिनट के उसको बंद कर दे, उधर से रहेगा देखो, उधर छोटा बटन रहेगा, नहीं उधर नहीं, उधर नहीं, प्रोजेक्टर के नीचे ही है, उधर एक छोटा एरोमार्क किया रहेगा, नहीं नहीं उधर एक एरोमार्क किया रहेगा, पेन से एक एरोमार्क किया देख छोटा सा, हाँ बस ठीक है, रहने दे थोड़ा, दो मिनट के लिए बैठ, ठीक है मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करते जाओ। कितना अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी? ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी का अमाउंट है 17,60,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी का अमाउंट है 19,00,000। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी के वहां पे लिखेंगे 17,60,000, उसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी के सामने लिखेंगे 17,60,000, उसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, माइनस करने का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी का आंसर, उसका अमाउंट है 19,00,000। सो राइट हियर 19,00,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, उसके नीचे कौन आता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एंड आई थिंक दे हैव गिवन अस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स वुड बी रुपीज 11,200 पर नेट। तो बोलूंगा ठीक है 11,200 पर नेट, हमेशा याद रखने का जब आप पर नेट लिखते हो तो उसके आगे दो डेसिमल पॉइंट का जगह छोड़ देने का, मतलब 0.00 लिख देने का, इवन इफ नथिंग इज गिवन तो भी इट विल बी 11,200.00। समझ में क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट, फिर उन्हें दिया अपने को सेलिंग एक्सपेंसेस एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सॉरी पहले मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है 2,50,000, पहले मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है 2,50,000 और बाद में सेलिंग एक्सपेंस आएंगे 3,50,000। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है 2,50,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस है 3,50,000। और सेलिंग एक्सपेंसेस के साइड में पर नेट कॉलम में लिखेंगे आप लोग उसका पर नेट अमाउंट कितना था, रुपीज 700 पर नेट। इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो कितनी है पता नहीं छोड़ दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है पता नहीं छोड़ दो, एड प्रॉफिट, वो भी कितना है पता नहीं छोड़ दो, आगे सेल्स, सेल्स की रकम कितनी है आपकी, सेल्स की रकम है 75,00,000। सेल्स की रकम है 75,00,000। तो यहां पे तुम्हारा कॉस्ट शीट खत्म हो गया है, कॉस्ट शीट के नीचे लिखेंगे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ सेल्स यूनिट्स,
कैलकुलेशन ऑफ सेल्स यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स इज इक्वल टू सेलिंग ओवरहेड्स अपॉन पर यूनिट अमाउंट 3,50,000 अपॉन 700 बोलो कितना आंसर है 500 यूनिट्स जैसे मिनट है शायद वो टाटा वाले का फोन रहेगा इंटरनेट जितना जल्दी हो जाएगा उतना अपने को काम इजी रहेगा। कल ये ट्यूबलाइट का काम हो गया और प्रोजेक्टर वाला कल रात को आना चाहिए था लेकिन आया नहीं था। मैं कितना 8 बजे तक यहाँ पर रुका था बट वो नहीं आया। कल वो सब गणेश जयंती और सब अलग अलग चीज़ें था ना तो ट्रैफिक जाम ज़्यादा था। हाँ जी चलिए घर के लोग शैल आई गो अहेड। अदिति जिया मैथिली ओके चलो यस सर। तो अभी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने को खेलना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कुछ और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्या? देखो जरा प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम बोलता है कि सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया, मैनेजमेंट एक्सपेंस दिया, सेलिंग एक्सपेंस दिया है और रॉ मटेरियल दिया हुआ है, फिनिश गुड्स दिया है, WAP देकर रखा है। डायरेक्ट लेबर वुड बी 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वुड बी ₹11,200 पर नेट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वुड बी ₹700 पर नेट। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल्स परचेस, डिटरमाइन द रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेल्स एंड डिस्कस वेदर इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ ₹2,00,000 ऑन वर्किंग कैपिटल वुड अफेक्ट द रेट ऑफ प्रॉफिट। मैं बोलूँगा ठीक है। अब अगर अपने को पता है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 17,60,000 रुपये का है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपना 19,00,000 रुपीज़ का है और 11,200 अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर नेट है, मिलते कैसे करना? अरे कुछ तो बोलो। हाँ सेलिंग ओवरहेड्स कितना है? 700 पर नेट है। तो मेरे ख्याल से मेरा सेल्स का यूनिट्स अपने को मालूम था कितना था सेल्स का यूनिट अपना 500। 75,00,000 को 500 से डिवाइड कर दो प्लीज़। पहले 75,00,000 को 500 से डिवाइड कर दो कितना 15,000.00 इज द अमाउंट ऑफ SPPU। मिला कह रहे सबको 15,000.00 इज द अमाउंट ऑफ SPPU। अगर ये 11,200 पर नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, शैल आई गो अहेड? 11,200 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट है, उसका नाम क्या बोला हमने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना आपने ऑलरेडी मालूम है? हाउ मेनी यूनिट्स आर सोल्ड?
500 units are sold, तो बोल सकता हूँ फिर इन दैट केस टोटल, वर्किंग नोट नंबर टू बना रहा हूं मैं, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो कितना है 11,200 है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है तुम्हारा 500 है तो आंसर कितना आएगा बोलो 56 लाख इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन टोटल क्लियर प्लीज कम बैक टू द मेन आंसर एक छोटा काम करो ना आपके पास फोन रहेगा ना ऑलरेडी तो व्हाट्सएप पे मेरे ख्याल से मेरा लिंक रहेगा तो आप फोन से भी ज्वाइन कर सकते हो अभी मतलब अभी टेम्पररी पर्पज के लिए आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा अगर किसी को देखने करेगा तो सिर्फ फोन का अपना माइक बंद रखो और वॉल्यूम बंद रखो समझेगा डेटा कनेक्शन रहेगा तो यू कैन यूज इट चलिए तो मेरे ख्याल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सामने टोटल रुपीज के कॉलम में 56 लाख रुपीज लिखने से दुनिया की कौन सी भी ताकत हमें रोक नहीं सकती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सामने टोटल रुपीज के कॉलम में 56 लाख रुपीज लिखने से दुनिया की कौन सी भी ताकत हमें रोक नहीं सकती है Someone wants to join the call, Akanksha Pandey ji. Okay. अब मैं 56 लाख रुपीज से नीचे घसर के आ सकता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56 लाख प्लस 2,50,000 का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्लस 3,50,000 का सेलिंग ओवरहेड्स इन तीनों का टोटलिंग करूंगा तो आंसर कितना आएगा 2 और 3, 5, 5 और 1, 6 छप्पन और 6 मतलब हो जाएगा कितना 62 लाख 62 लाख का कॉस्ट ऑफ सेल्स है और 75 लाख रुपीज का प्रॉफिट है 62 लाख रुपीज का कॉस्ट ऑफ सेल्स है और 75 लाख रुपीज का सेल्स है बोलो प्रॉफिट कितना आएगा 13 लाख 13 लक्ष्य को हम लोग क्या कर देंगे एनसर्कल कर देंगे अब जरा संभल के मेरे ख्याल से आपका 56 लाख के सामने पर नेट रेडी है 11,200 2,50,000 के सामने पर नेट कैलकुलेट करने का बाकी है बट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मतलब एरिया कौन सा है सेल्स का एरिया है मतलब उसको सेल्स यूनिट से डिवाइड किया तो भी चलेगा तो उसको 500 से डिवाइड कर दो 2,50,000 को 500 से डिवाइड किया बोलो कितना आंसर आया 500 बाद में 3,50,000 को 500 से डिवाइड किया आंसर कितना ऑलरेडी अपने पास रेडी है 700 अभी 62 लाख रुपीज को 500 से डिवाइड कर दीजिए बोलिए फटाफट से सॉरी 12,400 और प्रॉफिट की अमाउंट कितनी रहेगी आपकी 13 लाख डिवाइडेड बाय 500 मतलब कितना रहे 2,600 सो प्रॉफिट की अमाउंट इज 2,600 क्लियर अब मैं वापस उल्टा जाऊंगा बोलूंगा 56 लाख कौन है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसके अंदर कौन छुपा है अभी उल्टा जाने का मतलब लिखा रहेगा प्लस तो करना पड़ेगा माइनस लिखा रहेगा माइनस तो करना पड़ेगा प्लस तो लिखा है कौन 19 लाख माइनस मतलब करना पड़ेगा 19 लाख प्लस मतलब कितना रहे 75 लाख आएगा ओके सेवेंटी फाइव लाख के ऊपर लिख के रखा है 17,60,000 वो लिखा है प्लस मतलब करना पड़ेगा माइनस
ओके कितना बोला आपने? 57,40,000। बाद में क्वालिटी कंट्रोल वाला तो जीरो है, मतलब फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट फिर से बार कितनी आएगी? 57,40,000। फिर क्लोजिंग डब्ल्यू भी माइनस करने को बोला था, लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं, मतलब ऐड करेंगे। सो ऐड बैक 14,50,000। बोलो कितना आंसर है? 17 लाख। ओके 71,90,000, ऐसा मेरे कोई कोई बच्चे बोलते हैं, बाकी के सब लोग प्लीज चेक करो। 71,90,000 में ऐड 10,50,000 बोला, माइनस करना पड़ेगा 61,40,000। 61,40,000 में ऐड बोला है, 10 लाख माइनस करना पड़ेगा 51,40,000। 51,40,000 में ऐड बोला है 17,50,000, माइनस करना पड़ेगा बोलो कितना? 33,90,000। 33,90,000 का माइनस करने का है तो ऐड करना पड़ेगा बोलो कितना? 10,60,000 में 44,50,000। 44,50,000 में बोला है प्लस, बट करना पड़ेगा माइनस 8 लाख, बोलो कितना? 36,50,000। काम खत्म, पैसा हजम। क्या क्या पूछा था उन्होंने अपने को? कंप्यूटिव वैल्यू ऑफ मटेरियल्स परचेज ड्यूरिंग देयर, अभी कैलकुलेट किया 36,50,000। डिटरमाइन द रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन सेल्स, वो हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है। नहीं सर, किया ना प्रॉफिट 13 लाख। बाबा लोगों, 13 लाख अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, अपने को रेट ऑफ प्रॉफिट चाहिए। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स मतलब क्या? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो चलो और एक वर्किंग करेंगे, नीचे आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर 1, कॉस्ट ऑफ आरएम परचेस्ड इज इक्वल टू 36,50,000। पहला आंसर रेडी। दूसरा आंसर, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। और प्रॉफिट का अमाउंट कितना था? 13 लाख। सेल्स का अमाउंट कितना था? 75 लाख। 13 लाख अपॉन 75 लाख इनटू 100, बोलिए कितना? 17.33%। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन था, डिस्कस वेदर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन वर्किंग कैपिटल वुड अफेक्ट अबव रेट ऑफ प्रॉफिट। मैं बोलूंगा इंटरेस्ट इज फाइनेंस कॉस्ट, तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल प्रॉफिट को फर्क पड़ेगा, बट कॉस्टिंग प्रॉफिट को फर्क नहीं पड़ेगा। लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल इज अ फाइनेंस कॉस्ट। Which is ignored in costing. Hence, it will not affect the amount of, it will not affect the above rate of profit. Hence, it will not affect the above rate of profit. क्लियर? समझे क्या? चलो अच्छा पॉइंट है, अब चालू करोगे एक बार सेम बटन कह दे, कैलकुलेट करू शकत नहीं अपन ना, इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल।
अगर वो बाकी कोई भी देते ना इन्फॉर्मेशन तो भी अपने को चलता था, इधर वो डायरेक्ट वेजेस कब परनेट देंगे, नहीं तो मटेरियल कब परनेट, नहीं तो फैक्ट्री ओवरहेड कब परनेट, तो मैं कैलकुलेट कर सकता था। अभी कुछ है ही नहीं ना अवेलेबल, ओपनिंग स्टॉक का भी नहीं, कुछ किसी का भी मालूम नहीं है, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आज पूरा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे अलग अलग लॉजिक अपने को सीखने के हैं। मई 2009 के एग्जाम का क्वेश्चन है, मई 2009, देखो क्या कहता है। ब्राइट शू पॉलिश कंपनी मैन्युफैक्चरर्स ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश इन वन स्टैंडर्ड साइज ऑफ टिन रिटेलिंग एट ₹12 एंड ₹13.30 रिस्पेक्टिवली, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू, पर्टिकुलर्स ते मगाशी मला वाटते ना फोकसला हात लावला तिने मगाशी, अच्छा क्वेश्चन है। ब्राइट शू पॉलिश कंपनी मैन्युफैक्चर्स ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश इन वन स्टैंडर्ड साइज ऑफ टिन रिटेलिंग एट ₹12 एंड ₹13.30 रिस्पेक्टिवली, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू, ब्लैक पॉलिश ओपनिंग स्टॉक 2400 टिन्स, ब्राउन पॉलिश 8000 टिन्स, क्लोजिंग स्टॉक ब्लैक का 5400 टिन्स एंड ब्राउन पॉलिश का 3000 टिन्स, एंड सेल्स क्वांटिटी 72,000 टिन्स ऑफ ब्लैक पॉलिश एंड 30,000 टिन्स ऑफ ब्राउन पॉलिश। मतलब प्रॉब्लम ने अपने को ब्लैक एंड ब्राउन दो अलग अलग टाइप का आउटपुट बेचने का बात किया हुआ है, और दोनों का अपने को ओपनिंग स्टॉक भी दिया है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है और सेल्स भी दिया है, कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है बताओ। ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक का अवेलेबल है, लेकिन सेल्स का अवेलेबल है, कौन सा अवेलेबल नहीं बताओ। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के यूनिट्स अवेलेबल नहीं है। हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज नोन। हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज नोन। हाउ मेनी यूनिट्स वेर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज ऑल्सो नोन। बट हाउ मेनी यूनिट्स वेर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज नॉट गिवन। कहते सकना, लेकिन जो दिमाग चलाएगा उसको एकदम आराम से समझेगा, कितना था और कितना बेचा और बेचने के बाद कितना बचा, ये तीन चीजें अवेलेबल रहेगी तो चौथी चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सी चीज? प्रोडक्शन। क्योंकि बेसिक रूल कहता है, बेसिक रूल किधर गया मेरा पेन, हमारा रूल कहता है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स। समझ मैं कैसे बोल रहा हूं? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स। इसी का मतलब ओपनिंग स्टॉक और प्रोडक्शन करके जो आंसर आएगा वो, और क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स का जो आंसर आएगा वो, दोनों सेम रहना चाहिए। मतलब आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू इक्वेशन नाउ। अब ये जिंदगी भर के लिए याद रखने का इक्वेशन है, उसका नाम क्या रखेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन मस्ट बी इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स, कितना था प्लस कितना बनाया मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू कितना बेचा प्लस कितना बचा, कितना था प्लस कितना बनाया मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू कितना बेचा प्लस कितना बचा। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? घर के बच्चे समझा करे, ओके वेरी गुड। चलो तो मैं कंसिडर कर सकता हूं ब्लैक एंड ब्राउन का ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, सेल्स अवेलेबल है, हम लोग आराम से प्रोडक्शन यूनिट्स भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट डिटेल्स, डायरेक्ट मटेरियल पॉलिश टेंस, ओ थोड़ी गड़बड़ है, जो प्रॉब्लम ठीक से पड़ेगा उसको समझेगा कि अभी गड़बड़ होना चालू हो गया। ऊपर कैसा मस्त से बता रहे थे ब्लैक का ओपनिंग स्टॉक कितना, ब्लैक का सेल्स कितना, ब्लैक का क्लोजिंग स्टॉक कितना, और अभी डायरेक्ट मटेरियल बोल रहे क्या? पॉलिश। अच्छा ये पॉलिश में से ब्लैक के लिए कितना और ब्राउन के लिए कितना वो अलग अलग बोला नहीं है। टिन्स मतलब वो डब्बा, शू पॉलिश का जो छोटा डब्बा रहता है,
उसी भी बोल के रखा 1,20,000। अच्छा 1,20,000 का टिन का डब्बा परचेस किया, बट उसमें से कितने डब्बों के अंदर ब्लैक पॉलिश भरा और कितने डब्बों के अंदर ब्राउन पॉलिश भरा वो नहीं बताया हुआ है। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? सो डू वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिश? यस। बट डू वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ पॉलिश एक्सपेंडिचर, मतलब 1,46,000 टू बी कंसिडर्ड टू बी इनकर्ड फॉर ब्लैक, एंड हाउ मच ऑफ 2,46,000 इज इनकर्ड फॉर ब्राउन? ये दिया नहीं। 2,46,000 is the combined amount of polish which must have been spent on black as well as brown. But how much for black? How much for brown? That's not given by the problem. Second, करते हैं क्या बनता है? Same is the case with 1,20,000 का tin. Tin का amount 1,20,000, अच्छा है, चलो बस मालूम पड़ गया। इस साल में हमने tin के ऊपर 1,20,000 का खर्चा किया, but इस साल में हमारे पास एक ही type का output था कि दो अलग अलग output थे? दो अलग अलग output थे। इसका मतलब मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि उसमें से कितना ब्लैक के ऊपर है और कितना ब्राउन के ऊपर है। सपोज मैंने ऐसा डिसाइड किया कि अपने क्लास में जो भी कोई बच्चे हैं, सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, सीए इंटर कर रहे हैं, उन सबको मैं हुडी देने वाला हूं अपने क्लास का। जस्ट एग्जांपल, टेंशन मतलब सर मैं हुडी वुडी डाल के नहीं आऊंगा, रहता है ना एलन वेलन क्लासेस रहते हैं, आपने देखा रहेगा, तो उनका हुडी टी शर्ट कंपल्सरी रहता है, उनको अंदर आने को देते ही नहीं वो लोग। मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूं, जस्ट एग्जांपल। तो सपोज मैंने ऐसा डिसाइड किया कि अपने क्लास में जो सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं, सब सीए इंटर के बच्चे हैं, उनको सबको क्या दूंगा? ब्लैक कलर का हुडी दूंगा, अच्छा एकदम दिखने को अच्छा रहेगा। पुणे में वैसे भी ठंडी वंडी रहती है, तो इन दैट केस इट इज ओके, विल गो फॉर दैट। नहीं तो आपका बैच तो समर सीजन का बैच है, तो आपको क्या दूंगा? कैप दूंगा, और क्या दूंगा आपको? रेनकोट वगैरह दूंगा, क्योंकि जून जुलाई में आपका बारिश का टाइम रहेगा। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मैंने सोचा कि अपने क्लास के सब बच्चों को, सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर के बच्चों को, गर्मी से राहत के लिए धूप में इधर उधर चलते रहते तो टोपी देते हैं, और बाद में रेनी सीजन में एक रेनकोट दे देते हैं अच्छा वाला। क्लियर? उसके पीछे अपना क्लास का एक लोगो रहेगा, मोरे क्लासेस कॉमर्स, बेस्ट क्लासेस फॉर सीए इन पुणे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तुम लोग भी खुश, मैं भी खुश, नो टेंशन। फिर मैं किसको दे रहा हूँ? सीए फाउंडेशन को भी दे रहा हूँ और सीए इंटर को भी दे रहा हूँ। तो मैंने बोल दिया, मैंने ना इस साल टोपी के ऊपर सब मिला के 1,00,000 रुपये का खर्चा किया। तुम बोलोगे सर ये तो बताओ उसमें से इंटर के बच्चे कितने और फाउंडेशन के बच्चे कितने? समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैंने रेनकोट के ऊपर 3,00,000 रुपये का खर्चा किया। बोलते सर अच्छी बात है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट 3,00,000 रुपये का खर्चा आपने जो किया है उसमें से इंटर के बच्चों को कितना और फाउंडेशन के बच्चों को कितना बताओ ना। आपके पास एक ही बैच रहता था ना, अगर सिर्फ इंटर इंटर इंटर, तो टोपी का खर्चा इंटर के लिए ही है और रेनकोट का खर्चा इंटर के लिए ही है। लेकिन अगर आपके पास दो दो बैचेस है और आप दोनों बैचेस को टोपी दे रहे हो, टोपी पहना रहे हो नहीं, टोपी दे रहे हो, ओके, दोनों बैचेस को टोपी दे रहे हो और दोनों बैचेस को रेनकोट दे रहे हो, तो फिर ये भी तो बताओ कि रेनकोट के टोटल खर्चे में से फाउंडेशन वाला कितना और इंटर वाला कितना, टोपी के टोटल खर्चे में से फाउंडेशन वाला कितना और इंटर वाला कितना, दोनों बताना चाहिए, तब जाके काम चलेगा। तो भैया आपने बता दिया पॉलिश का खर्चा, अच्छी बात, आपने बता दिया टिन का खर्चा, अच्छी बात, ये पॉलिश मतलब क्या है? रेनकोट जैसा है, और टिन मतलब क्या है? टोपी जैसा है। बट आपके पास सिर्फ एक ही बैच नहीं है, आपके पास ब्लैक शू पॉलिश अलग प्रोडक्ट है और ब्राउन शू पॉलिश अलग प्रोडक्ट है, तो आपको पॉलिश के दो टुकड़े बताने पड़ेंगे, ब्लैक का कितने हैं और ब्राउन के कितने हैं। टिन के दो टुकड़े बताने पड़ेंगे, ब्लैक के लिए कितने हैं, ब्राउन के लिए कितने हैं। आई होप यू कैन विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग। घर के वो लोग समझा करें सबको, यस वेरी गुड। चलो फटाफट से आंसर देने का, शर्माने का नहीं। नेक्स्ट पार्ट डायरेक्ट वेजेस, सेम प्रॉब्लम, डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट 2,04,000, अच्छी बात है, लेकिन ब्लैक का कितना ब्राउन का कितना वो नहीं बताता है, बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है। सबको समझा के मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, फिर कौन है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स 3,06,000, सेम प्रॉब्लम, प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिया, अच्छी बात है, बट आर यू हैविंग वन सिंगल प्रोडक्ट कंपनी? नो, यू आर हैविंग अ कंपनी विच इज अ टू प्रोडक्ट कंपनी, बाय प्रोडक्ट कंपनी, मतलब बी वाई वाला नहीं, बी आई वाला, ओके, तो दो प्रोडक्ट वाला कंपनी है, इसका मतलब आपको 3,06,000 का दो टुकड़ा बताना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स 1,02,000, अगेन सेम प्रॉब्लम, मतलब ऑल एक्सपेंसेस आर गिवन ऑन कंपनी वाइड बेसिस, ऑल एक्सपेंसेस आर गिवन ऑन कंपनी वाइड बेसिस, बट वी वांट टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट ऑफ द कंपनी एज वेल एज ऑफ द प्रोडक्ट्स, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा ना। अगर तुम बोलोगे सर कंपनी का डायरेक्टली बता देंगे, तो इन दैट केस यू आर रिपोर्टिंग टू द आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स आर ओनली इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट्स। हम कौन है? कॉस्ट अकाउंटेंट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड ओनली इन द रिजल्ट्स, बट वी आर इंटरेस्टेड इन द रीजंस फॉर रिजल्ट। तो इस साल जो प्रॉफिट हो गया है उसमें से ब्लैक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना और ब्राउन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, ये जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक मैनेजमेंट को उसका फायदा नहीं है। मैनेजमेंट बोल गया, अरे प्रॉफिट तो मुझे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ने बता दिया ना बाबा, तो सेल्स का अमाउंट ले लिया, उसमें से सब खर्चा माइनस कर दिया, प्रॉफिट मिल गया। बट मुझे बता, मैं ब्लैक पॉलिश का प्राइस बढ़ाऊं के कम करूं, ब्राउन पॉलिश का बढ़ाऊं के कम करूं, ये मुझे कैसे समझेगा? वो तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट नहीं बता सकता है।
इसके लिए तो मैं कॉस्ट अकाउंटेंट के पास आया, और कॉस्ट अकाउंटेंट बोलता है सर मैं भी कंबाइंड कंबाइंड लूंगा, बोलोगे फिर तेरा कुछ फायदे नहीं है बाबा, डोंट टेल मी द कॉस्टेड ओनली ऑफ द कंपनी, टेल मी द कॉस्टेड ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, लेट मी अंडरस्टैंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। अच्छा मतलब भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे 2,46,000 को पहले दो लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा, ब्लैक में कितना ब्राउन में कितना, अब मुझे 1,20,000 को दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा, ब्लैक में कितना ब्राउन में कितना, अब मुझे 2,04,000, 3,06,000, 1,02,000 सबको डिवाइड करना पड़ेगा, ब्लैक में कितना ब्राउन में कितना, फिर जो अमाउंट आएगी, अब जरा ठीक से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइए, मुझे पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, जो अमाउंट आएगी सपोज मैंने 2,46,000 के दो टुकड़े कर दिए, तो जो अलग अलग अमाउंट आएगी वो ब्लैक की और ब्राउन की पर रेट अमाउंट रहेगी कि ब्लैक की और ब्राउन की टोटल अमाउंट रहेगी, टोटल अमाउंट रहेगी, मतलब फिर वो जो ब्लैक की अमाउंट आएगी उसको मुझे ब्लैक के प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे ब्लैक का पॉलिश का पर यूनिट अमाउंट मिल जाएगा। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो 2,46,000 कंबाइंड है, बट कंबाइंड किसका, पर यूनिट का कंबाइंड नहीं है, टोटल का कंबाइंड है, तो टोटल के कंबाइंड के दो टुकड़े करोगे तो भी क्या मिलेगा, ब्लैक का टोटल एंड ब्राउन का टोटल, फिर ब्लैक के टोटल को ब्लैक के यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा और ब्राउन के टोटल को ब्राउन के यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। कैन यू विजुअलाइज, एग्जाम में स्ट्राइक होगा अभी क्या करना है करके। ओके नेक्स्ट पार्ट, घर के बच्चे समझा ना रहे क्या हो रहा है वो? यस सर। ओके वेरी गुड, आगे देखो क्या कहता है प्रॉब्लम। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश वॉज वैल्यूड एट इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा पॉइंट, गूगली बॉल है, एग्जाम में हम लोग को इतना सारा पढ़ाई किया रहता है और लास्ट में उनको 3 घंटे के अंदर सब सारा का सारा सिलेबस अपने को वापस निकालने का रहता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको लिख के दिया था कि कोई बोलता है फैक्ट्री, कोई बोलता है प्रोडक्शन, कोई बोलता है वर्क्स, तो प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? इसका मतलब ये कंपनी क्या कर रही है, अपना जो भी कुछ ओपनिंग स्टॉक है उसको उन्होंने लास्ट ईयर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से कंसिडर नहीं किया है बल्कि फैक्ट्री कॉस्ट के हिसाब से कंसिडर किया है। मैं फॉर्मेट भूल गया, मुझे बताओ फटाफट से। सबसे पहले क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल आता है, वो मुझे मालूम है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम आता है करके, बाद में ऐड टू दैट डायरेक्ट वेजेस, ऐड टू दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, ये नहीं अपने को फैक्ट्री कॉस्ट तक जाना है, आगे ऐड टू दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अपने को ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नहीं चाहिए, अपने को कौन चाहिए, फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए, ऐड टू दैट ओपनिंग डब्ल्यूएपी, लेस फ्रॉम दैट इज इक्वल टू फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट। वो फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट जो है ना उसके बेसिस पे उन्होंने ओपनिंग स्टॉक को वैल्यू किया है। नहीं सर, आपने हमको सिखाया था कि स्टॉक इज वैल्यूड एट सीपीयू, एंड सीपीयू का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, तो उन्होंने लास्ट ईयर के एंड में सीपीयू के वहां से घसरगुंडी करके क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना चाहिए था, और लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक मतलब करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए था, मतलब लास्ट ईयर के फैक्ट्री कॉस्ट के वहां से एरो मार्क नहीं करना चाहिए था, लास्ट ईयर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के वहां से एरो मार्क करना चाहिए था। मैं बोलूंगा येस, व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, बट इट सीम्स दैट इट इज अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी। हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट है, हम लोग उनको सजेशन देंगे, भैया देखो ऐसा कर दो, इसको आप लोग क्या कंसिडर करो, वो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी ना उसके अंदर चार लोगों के साथ खेलो, चार लोग कौन से, क्वालिटी कंट्रोल, R&D, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकिंग और सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, वो माइनस कर दो, फिर जो आएगा वो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से वैल्यूएशन करना चाहिए है। लेकिन लगता है इस कंपनी का R&D का कॉस्ट नहीं, क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, और प्राइमरी पैकिंग भी नहीं है, इसलिए कंपनी बोलती है क्या फर्क पड़ता है, फिर रहने दो भैया फैक्ट्री कॉस्ट के हिसाब से खेल देंगे। इनफैक्ट आपने देखा रहेगा इसके पहले के आज के दो प्रॉब्लम, दोनों में R&D क्वालिटी कंट्रोल में डैश ही कर दिया था, इफ नथिंग इज मेंशन इट इज अज्यूम्ड टू बी नील, मतलब वो दोनों प्रॉब्लम में फैक्ट्री कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम आई थी, आज के दोनों प्रॉब्लम किए वो, याद है क्या सबको? घर के लोग समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर। ओके तो इसके लिए बोल रहे कि वो मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से कंसिडर किया है, क्लियर ऑल ऑफ यू? बट इसी का दूसरा मतलब क्या हो जाता है, इसी का दूसरा मतलब ठीक से सुनिएगा मैडम जी, हाँ वापिस, क्योंकि मैं अगला लॉजिक सिखा रहा हूँ अभी। इसी का दूसरा मतलब हो जाएगा कि जो आपने लास्ट ईयर के एंड में पॉलिसी फॉलो किया है वही पॉलिसी आपको इस साल के एंड में भी फॉलो करना पड़ेगा। यू कैन गो ऑन डांसिंग अलॉन्ग विद द पॉलिसीज, कभी ऐसा पॉलिसी कभी वैसा पॉलिसी, दैट्स नॉट अलाउड। जनरली कोई भी बिजनेस अगर अपना काम ठीक से करना चाहता है, रिपोर्टिंग ठीक से करना चाहता है, तो हम जनरली बोलते हैं कंसिस्टेंसी रखो भैया, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो इन दैट केस आपके रिपोर्ट्स अनरिलायबल होते जाते हैं। सोच के देखो ना, आप क्या बोलोगे, सर इस साल मैं SSC बोर्ड का पढ़ाई करता हूँ, अगले साल CBSE बोर्ड का पढ़ाई करता हूँ, पांचवी SSC बोर्ड में,
सिक्स स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड में, सेवन स्टैंडर्ड फिर से एसएससी, एट स्टैंडर्ड आईसीएसई बोर्ड, क्या आईएसई बोर्ड जो मैं बोलूँगा पागल है क्या, ना खुद ठीक से पढ़ाई करेगा ना खुद एग्जाम दे सकेगा, तेरा कोई भी एग्जाम को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर अभी एसएससी बोर्ड पकड़ा है ना, महाराष्ट्र बोर्ड पकड़ा है ना, तो सब कुछ महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से पूरा कर दे। सर टेंथ स्टैंडर्ड के बाद में चेंज करता हूँ सीबीएसई को, बताओ चलेगा, बट एटलीस्ट टेंथ स्टैंडर्ड तक तो पूरा कर दे। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं सर, मैं टेंथ स्टैंडर्ड तक सीबीएसई में था, बाद में ग्यारहवीं बारहवीं के लिए महाराष्ट्र बोर्ड में आ गया, चलेगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट डोंट डांस एवरी ईयर, जनरली देर शुड बी कंसिस्टेंसी। सो इफ द कंपनी हैज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ वैल्यूइंग इट स्टॉक एट फैक्ट्री कॉस्ट इन द लास्ट ईयर, इन अदर वर्ड्स वी आर ऑल्सो गोइंग टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ वैल्यूइंग द क्लोजिंग स्टॉक एट फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब हम लोग भी अपना जो एरोमार्क करेंगे घसरगुंडी वाला क्लोजिंग स्टॉक के लिए, वो कहाँ से करके आएंगे हम लोग? फैक्ट्री कॉस्ट के वहाँ से करेंगे। समझा सबको क्या बोल रहा हूँ मैं? वो घर के बच्चे समझा करे? वेरी गुड। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स और ब्राउन पॉलिश इज 10% हायर देन फॉर ब्लैक। अच्छा पॉइंट। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्राउन पॉलिश इज 10% हायर देन फॉर ब्लैक, बट देर इज नो डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ टिन्स। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, टोपी जो है, टोपी तुमको एक टोपी दिया और फाउंडेशन के बच्चों को टोपी दिया, आप बड़े बच्चे, आपके दिमाग में फाउंडेशन का नॉलेज है, इंटरमीडिएट का नॉलेज धीरे धीरे जा रहा है, तो आपका सिर बड़ा हो रहा है, मतलब लॉजिक के हिसाब से तो आपको जरा बड़ा टोपी लगता है, और फाउंडेशन के छोटे बच्चे तो उनका दिमाग छोटा, मतलब नॉलेज छोटा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उनका शायद अभी तक टोपी भी छोटा वाला लगेगा। मैं बोलूँगा सर ऐसा बड़ा टोपी छोटा टोपी ऐसा कोई झंझट नहीं रहता सर, आप टोपी का साइज एक ही रखो और पीछे उसको हम लोग कुछ तो वेलक्रो दे देंगे कि जिसको यूज़ करके वो लोग अपने जैसा चाहिए वैसा एडजस्ट करके लेंगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट दी पॉइंट? मतलब टोपी सबके लिए सेम टू सेम खर्चा है। टोपी फाउंडेशन के बच्चे को दिया तो भी एक टोपी के पीछे 200 रुपया है, तो टोपी इंटर के बच्चे को दिया तो भी एक टोपी के पीछे 200 रुपया है, तो फिर इंटर का टोपी का खर्चा कितना और फाउंडेशन का टोपी का खर्चा कितना? मैं बोलूंगा कुछ नहीं, आप ऐसा करो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंटर इंटू 200 रुपया एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फाउंडेशन इंटू 200 रुपया, काम खत्म। दोनों को 200 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। द खर्चा ऑफ टोपी पर स्टूडेंट इज सेम द कॉस्ट ऑफ टिन, देयर इज नो डिफरेंस। मतलब आपने ब्लैक शू पॉलिश पकड़ा फिर ब्राउन शू पॉलिश पकड़ा, टिन का तो डब्बे का साइज वही रहेगा ना रे, अंदर कौन सा मटेरियल डाल रहे हो वो अलग है, बट डब्बा तो वही है। क्या 50 ग्राम का डब्बा रहेगा छोटा? आपने कभी देखा कि? मुझे पता नहीं, चार्ली वार्ली सब रहता है वो शू पॉलिश। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो डब्बे का साइज वही रहता है हमेशा, इसके लिए टिन का खर्चा सेम है, अगर अंदर मटेरियल अलग है तो बोलते। लेकिन ब्राउन के लिए क्या है? द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्राउन पॉलिश इज 10% हायर देन फॉर ब्लैक। अब बच्चे लोग बड़े होशियार रहते हैं, बता के रखता हूँ क्या गड़बड़ होता है। बोलते सर हमको समझा, ये 2,46,000 है ना आपका पॉलिश का खर्चा, 2,46,000 इधर देखो ना सर, ये 2,46,000 का आपका खर्चा है। इस 2,46,000 के खर्चे के अंदर दो लोग बैठे, ऐसा आपने हमको सिखाया, हमको पता है, एक कौन ब्लैक एक कौन ब्राउन, और उन्होंने खुद ही बोल कर रखा सर कि द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्राउन इज 10% हायर देन फॉर ब्लैक। मतलब इफ ब्लैक इज 100 देन ब्राउन इज 110। समझा सबको? इफ ब्लैक इज 100 देन ब्राउन इज 110। मैं बोलूंगा शाबाश। तो सर इसका मतलब ब्लैक इज, ठीक से सुनिए, ब्लैक इज 100 एंड ब्राउन इज 110, ब्लैक इज 100 ब्राउन इज 110, तो इसका मतलब टोटल मस्ट बी 210 ब्लैक का पॉलिश प्लस ब्राउन का पॉलिश इज इक्वल टू टोटल पॉलिश। अपने को 2,46,000 टोटल का बात मालूम है, तो सर मैं 100 प्लस 110 करके 210 कर सकता हूं, फिर 210 मतलब 2,46,000 है, 210 मतलब 2,46,000, तो 100 मतलब कितना और 110 मतलब कितना, बोलो कितना आंसर आएगा फटाफट? बोलिए कितना आएगा आंसर? 1,17,143 एंड
857। बच्चा लोग मस्त से वर्किंग आउट करके आते हैं, सब दिखा के बराबर से, और बाद में घर पे आके मुझे बोलते हैं सर मेरा ऐसा आंसर, मैं बोलूँगा सॉरी गलत हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने को क्या बोला है, 2,46,00 टोटल अमाउंट है, और बोला है द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्राउन पॉलिश इज 10% हायर देन फॉर ब्लैक। फाउंडेशन के बच्चे अभी तक उम्र में छोटे हैं, 18 साल, उससे कम उनका उम्र रहेगा। इंटर के बच्चे उससे ज़्यादा बड़े हैं, इंटर के बच्चों का साइज बड़ा, फाउंडेशन के बच्चों का साइज छोटा, वो शायद एस वो वाला साइज यूज करेंगे रेनकोट के लिए, आप लोग एम साइज यूज करोगे शायद रेनकोट के लिए, मैं तो शायद एल पे ले जाऊंगा, एक्सेल पे जाऊंगा, पता नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो आप लोग एस पे नहीं जाओगे, शायद आप एम पे जाओगे, मतलब अभी एक एक रेनकोट, उसको भी एक रेनकोट दिया, तुमको भी एक रेनकोट दिया, बट तुम्हारे रेनकोट में लगने वाला मटेरियल ज्यादा है क्योंकि साइज बड़ा है, और उनके मटेरियल में लगने वाला, सॉरी उनके रेनकोट में लगने वाला मटेरियल कम है क्योंकि साइज छोटा है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? सो दे आर टेलिंग यू द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्राउन पॉलिश इज 10% हायर देन दैट फॉर ब्लैक। मैं बोलूंगा इसका मतलब दे आर नॉट टेलिंग यू अबाउट द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, दे आर टेलिंग यू अबाउट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मतलब मुझे सोचना पड़ेगा कि 2,46,000 जो है वो कौन है, टोटल है, और उन्होंने अपने को 100 और 110 ये जो रेशियो देकर रखा है वो रेशियो किसका है, सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट का रेशियो है। तो पर यूनिट के रेशियो को यूज करके आप टोटल के अमाउंट को डिवाइड करोगे, ये कब चल सकता है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों के सेम है। फाउंडेशन में जितने बच्चे एग्जैक्टली उतने बच्चे इंटर में रहेंगे। मैं बोलूंगा सर मतलब क्या, इसको भी अगर सपोज 50 से मल्टीप्लाई किया, उसको भी 50 से मल्टीप्लाई करने गए। तो मैथ्स का रूल क्या कहता है, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग इट, मल्टीप्लाइंग अ पर्टिकुलर रेशियो बाय द सेम वेरिएबल, देन जो आने वाला आंसर रहेगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन द ओल्ड रेशियो ओनली। मतलब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 5,000 इज टू 5,500 आएगा, मतलब फिर से बार वही रेशो बन जाएगा, 50:55, मतलब 100:110। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? हाँ, लेकिन अगर स्टूडेंट्स अलग रहेंगे तो इंटरमीडिएट के अपने पास 40 बच्चे हैं और फाउंडेशन के अपने पास सब 100 बच्चे हैं, बोलूँगा फिर सर अभी रेशो अलग हो जाएगा। छोटा साइज का बहुत सारा रेनकोट है और बड़ा साइज का थोड़ा कम रेनकोट्स है, मतलब टोटल अमाउंट का जो आपको डिवीजन करने का है, दैट शुड नॉट बी इन द सीपीयू का रेशियो, दैट शुड नॉट बी इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो, बट दैट शुड बी इन द कंबाइंड रेशियो ऑफ सीपीयू एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर से एक बार, 2,46,00 कौन है, पर नेट अमाउंट है कि टोटल अमाउंट है? आवाज में दम नहीं है, पूरे क्लास का आवाज नहीं है, घर के लोग आप कुछ बोल नहीं रहे हो, टोटल अमाउंट का रेशियो है, शाबाश। टोटल अमाउंट कैसे बताइए मुझे बताओ, हाउ डू यू कैलकुलेट टोटल अमाउंट, कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल। ये कौन, ब्लैक, और वैसे ही ब्राउन, ब्राउन का भी कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू ब्राउन की टोटल। यहां तक समझा? फिर ब्लैक की टोटल प्लस ब्राउन की टोटल इज इक्वल टू 2,46,00, क्लियर? ब्लैक का पर यूनिट एंड ब्राउन का पर यूनिट का टोटलिंग 2,46,00 नहीं है, ब्लैक के टोटल अमाउंट को ब्राउन के टोटल अमाउंट के साथ जोड़ दोगे तो इन दैट केस आपको क्या मिल जाएगा, 2,46,00 मिल जाएगा। क्लियर? एनी डिफिकल्टी? तो अगर आप 2,46,00 को डिवाइड कर, अभी ये मैंने क्या बोला, मैंने आपको सीधा बता दिया कि वह ब्लैक से आया, ब्राउन से आया और टोटल में गया। प्रॉब्लम अपने को ब्लैक और ब्राउन अलग अलग बता रहा है कि टोटल बता रहा है, टोटल बता रहा है, मतलब ये जो मेरा डायग्राम है इसको मुझे इन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे अभी उन्होंने 2,46,00 पहले देके रखा है, जो नीचे है वो ऊपर आ गया, तो उसके दो टुकड़े मुझे करने हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, आई एम जस्ट एग्जैक्टली इन्वर्टिंग द डायग्राम, समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिर मुझे क्या लगेगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ब्लैक की टोटल मिल जाएगी और ब्राउन की टोटल मिल जाएगी। तो यू टेल मी, ब्लैक एंड ब्राउन की टोटल के लिए मैंने कौन सा कंसिडर करना चाहिए, इनका आपस का रेशियो कंसिडर करना चाहिए कि टोटल का टोटल से रेशियो कंसिडर करना चाहिए? टोटल का टोटल से रेशियो। टोटल कैसे बनता है, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। क्या रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? मतलब मैं 2,46,00 को डायरेक्टली 100:110 इस रेशियो में डिवाइड करूंगा। आप बोलोगे सर आप ऊपर के लाइन पे खड़े हो, आपको नीचे के लाइन पे आना है,
क्योंकि आपको क्या डिवाइड करना है, 2,46,000 किसका बना है, टोटल का बना हुआ है, तो आपको टोटल का रेशियो चाहिए, टोटल ऑफ ब्लैक इज टू टोटल ऑफ ब्राउन का रेशियो चाहिए, पर यूनिट ऑफ ब्लैक इज टू पर यूनिट ऑफ ब्राउन का रेशियो नहीं चाहिए। समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? कैन यू विजुअलाइज? ओके, तो मैं बोलूंगा ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट रेशियो इनटू यूनिट्स रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू रेशियो या फिर टोटल रेशियो मिल जाएगा। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मुझे ब्लैक एंड ब्राउन का कॉस्ट रेशियो मालूम है 100 और 110। अब मुझे ब्लैक एंड ब्राउन का यूनिट्स का रेशियो ढूंढना पड़ेगा, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ब्लैक एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ब्राउन। कहते कभी क्या मंटो दे, हाँ तो सर ऊपर दिया अपने को नंबर ऑफ यूनिट्स देकर रखा है, देखो सर 2,400, 5,472,000 और ब्राउन का दिया 8,000, 3,000 और 30,000। मैं बोलूंगा अरे यार बहुत सारे यूनिट्स दिए, कौन सा यूनिट चाहिए अभी सोचना पड़ेगा। मैं बोलूंगा रॉ मटेरियल किसके लिए लगता है, ओपनिंग स्टॉक के लिए लगता है कि क्लोजिंग स्टॉक के लिए लगता है कि सेल्स के लिए लगता है कि प्रोडक्शन के लिए लगता है, प्रोडक्शन के लिए लगता है। मतलब अपने को किसका यूनिट चाहिए, प्रोडक्शन का यूनिट चाहिए। प्रोडक्शन का यूनिट दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है, मतलब पहला वर्किंग क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। हाउ टू कैलकुलेट प्रोडक्शन यूनिट्स, मैंने तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आज शुरुआत में सिखा दिया था। इक्वेशन क्या था मेरा, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स। सो टेल मी, मन ही मन में कैलकुलेट करके बताओ ब्लैक का प्रोडक्शन यूनिट्स कितना रहेगा। ब्लैक का प्रोडक्शन यूनिट्स है और ब्राउन का प्रोडक्शन यूनिट्स कितना रहेगा, 25,000। मैं बोलूंगा शाबाश, अब मुझे प्रोडक्शन यूनिट्स मिल गया है और मुझे कॉस्ट रेशियो ऑलरेडी मालूम है, तो अभी मुझे उसको डिवाइड करने से दुनिया की कौन सी भी ताकत रोक नहीं सकती है। अब मैं यहां से नीचे नहीं उतर रहा हूं बल्कि मैं यहां से आगे जा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा ब्लैक, थोड़ा थोड़ा ब्राउन। क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर क्या लिखूंगा ये इक्वेशन अपना, कॉस्ट रेशियो इंटू यूनिट्स रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू रेशियो। कर दे सके ना, तो यहाँ पर लिखूंगा कॉस्ट रेशियो इंटू यूनिट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, बाद में वर्किंग नोट के टाइम पूरा लिखूंगा, अभी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। यूनिट्स रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू रेशियो, कॉस्ट रेशियो कितना है, ये 100 रहेगा तो वो 110 है। यूनिट्स रेशियो अभी भी गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा कैलकुलेट किया आपने, 75,000 and 25,000। मुझे यूनिट्स से प्यार नहीं है, मुझे यूनिट्स रेशियो से ही प्यार है। तो 75,000 and 25,000 लेने के बजाय अगर मैंने 75:25 लिया तो भी चलेगा। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं सर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे पूरा लेने का, तो ले लो आपके पास कैलकुलेटर है, अभी कुछ झंझट नहीं है, आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जरा कीज बराबर से यूज़ करना, बाकी कुछ है नहीं बाबा लोग बेबी लोग। तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 75:25, बोलो कितना आंसर आएगा, 7,500:2 क्या रे, 2750। मतलब मैं बोल सकता हूँ रेशियो इज 750:275। करते क्या है? हाँ फिर मेरा 2,46,000 होना ना ऊपर का, ये 2,46,000 उसको मुझे डिवाइड करने का था। सो 2,46,000 इंटू 750 अपॉन क्या रे, 1,025। सर 1,025 कहाँ से है आपको, नम्रता नहीं मुझे बताया, मुझे नहीं मालूम कहाँ से है नम्रता, तू बता किधर से है। 750 plus 275 ऐसा कैसे हो गया? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बड़े बेटे को मैंने 5 एप्पल दिए हैं और छोटे बेटे को मैंने अगर 3 एप्पल दिए हैं, तो मेरे पास कितने एप्पल थे, 8 एप्पल थे। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? तो वही हमने कंसिडर किया, बोलो फटाफट से आंसर कितना आया, 2,46,000 × 750 / 1,025 180,000। और बाद में फिर से एक बार 2,46,000 × 275 / 1,025 66,000 मिला क्या आपको सबको? तो मुझे मिल गया कौन, 1,80,000 किसका खर्चा, ब्लैक का खर्चा, और 66 किसका खर्चा, ब्राउन का खर्चा। लेकिन सर हमारा आंसर करेक्ट है, करोगे कैसे समझेगा? चलो 1,80,000 किसके लिए किया, 1,80,000 75,000 के लिए किया, 1,80,000 जो खर्चा किया है वो 75,000 के लिए किया है। बोलो पर यूनिट कितना आता है, 1,80,000 / 75,000 2.40। और अगर मेरा आंसर बराबर रहेगा तो फिर ब्राउन का आंसर, ये ब्लैक का आंसर था ना, तो ब्राउन का आंसर 2.64 आना चाहिए। चेक करेंगे, 66,000 / कितना रहे, 25,000 ना, 2.64। सर आपको क्या समझा 2.64 रहेगा, 10% एक्स्ट्रा। सो 2 रुपया 40 पैसे का 10% मतलब 24 पैसा,
चेक करके देखो, दो 2.40 का 10% मतलब 0.24, तो 0.24 एक्स्ट्रा रहेगा, मतलब 2.64 आना चाहिए। डन हो गया। ये प्रॉब्लम का सबसे डिफिकल्ट पॉइंट यही था। दो डिफिकल्ट पॉइंट है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स। दूसरा पॉइंट, द रेशियो गिवन इज पर यूनिट का रेशियो एंड द अमाउंट गिवन इज टोटल का अमाउंट। सो द पर यूनिट का रेशियो कैनॉट बी अप्लाइड ऑन टोटल का अमाउंट, पर यूनिट का रेशियो मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू टोटल का रेशियो। हाउ टू कन्वर्ट पर यूनिट का रेशियो इनटू टोटल का रेशियो? कॉस्ट रेशियो इनटू यूनिट्स रेशियो इज इक्वल टू वैल्यू रेशियो। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट डिफिकल्ट, सर कौन सा यूनिट्स देखूं? फिर पूछो कौन सा खर्चा है। अगर रॉ मटेरियल का खर्चा है तो प्रोडक्शन का यूनिट्स देखो, सेलिंग का खर्चा रहेगा तो सेल्स का खर्चा देखो। ओके, सबको समझ में कैसे बोल रहा हूं? देन कम्स नेक्स्ट पार्ट। अभी ये लास्ट का पॉइंट और एक पॉइंट रहने वाला है कि सर अभी मैं इसको प्रेजेंट कैसे करूंगा, क्योंकि अब मेरा सिंगल कॉस्ट शीट नहीं है, दो प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट है, कंपनी का भी इन्फॉर्मेशन देना है और अलग अलग प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन देना है, तो प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो एक पॉइंट अपना बाकी रहेगा। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये पूरा करने को कम से कम 45 मिनट्स लगता है, उसमें से 15 मिनट हमने आज कंप्लीट कर लिया, तो कल आधे घंटे में प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? जो दोस्त लोग आज अभी क्लास को आए हुए नहीं, उनको बोल देने का रात को सर लेक्चर अपलोड करेंगे, प्लीज़ देख लो बाबा लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल मेरा स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, वो स्पीड ज़्यादा नहीं रहेगा, उसका मतलब मैंने सिर्फ आज के वर्किंग के ऊपर मैं आगे वर्किंग करना चालू करूँगा। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? अच्छा पॉइंट है कि नहीं? ऐसा और एक प्रॉब्लम कल करेंगे, एक प्रॉब्लम मैं करूँगा, एक प्रॉब्लम तुमको करने को दूंगा, क्लास में ही करने का, छोटा सा टेस्ट अपने को समझाए कि नहीं समझाए करके। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? उसके बाद में अगला पॉइंट करेंगे। क्लियर? जस्ट अ मिनट नाउ, मेरा पुराने बैच का कुछ बच्चा लोग तुम्हारे साथ बात करने को आने वाला था, तो उनको मैं बोलता हूँ प्लीज़ आ जाओ करके। और रिकॉर्डिंग ज़रा मैं बंद कर देता हूँ।